की बात है। एक जंगल में एक हाथियों का झुंड रहता था। एक बार वहां पर अकाल पड़ गया और उन हाथियों के बच्चे भूख प्यास से तड़पने लगे। वहां पर एक भी बूंद पानी नहीं बचा था। उनका जो मुखिया था उसने कहा, अगर हम इसी तरह यहाँ पर रहे तो हमारे बच्चे भूख प्यास से मर जाएंगे। मुझे एक तालाब याद है जहाँ जहाँ बहुत ढेर सारा पानी है। अगर हम सब वहाँ जाएं तो हम इस गर्मी से बच सकते हैं और अपनी प्यास भी बुझा सकते हैं। अगर हम दिन भर वहाँ रहेंगे तो हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी पानी की। सभी मान गए और हाथियों का झुंड चला गया तालाब की तरफ। उस तालाब में पहुंचते ही उन्होंने पूरा दिन एक दूसरे पर पानी फेंककर खूब मस्ती की। हाथियों के मुखिया ने कहा, हम लोग आज बहुत देर तक पानी में खेले, अब हम लोगों को अपने घर जाना चाहिए। के बच्चों ने कहा, पापा नहीं, अभी तो हमें और खेलना है पानी में, यहाँ बहुत ही आनंद आ रहा है। वहां से निकलते हैं। हाथी की बात उसके बच्चे मान गए। फिर वो वहाँ से निकलने लगते हैं। किनारे पर ही कुछ खरगोशों ने घर बना रखे थे जमीन में। अब जाते जाते हाथियों को कुछ दिखता है नहीं। वो उन खरगोशों के घरों को रौंदते हुए वहाँ से निकल गए। कुछ खरगोशों के घर टूट गए। कुछ खरगोशों ने आपस में मीटिंग की। एक खरगोश बोलता है, अरे यार, हाथी तो मज़ा करने रोज़ रोज़ यहाँ आएंगे और हम सब तो मारे जाएंगे। अभी तो हड्डी टूटी है, अगली बार तो हम ख़त्म ही हो जाएंगे। दूसरा खरगोश बोलता है, कुछ तो करना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा। इस पर पहला वाला खरगोश बोलता है, चिंता मत करो, इन्हें हम कहेंगे कि देखो, वो जो खरगोश चांद पर रहता है ना, उस खरगोश ने चंदा मामा से हमारी विनती की है और उन्होंने कहा है कि हाथी यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। दूसरा खरगोश बोलता है, लेकिन ऐसा कहेगा कौन? पहला वाला खरगोश बोलता है, मैं हूँ ना। पहला वाला खरगोश सबकी बातें सुनता है। फिर बड़े से पेड़ पर तालाब के किनारे ही बैठ जाता है। उस दिन हाथियों का झुंड शाम के बाद वहां पर आता है, जब चांद निकल चुका था। तो खरगोश पेड़ पर से बोलता है, ए गजराज, तुम और तुम्हारा झुंड इस तालाब में नहीं आ सकता है। हाथी बोलता है, अरे तुम कौन हो हमें रोकने वाले? खरगोश बोलता है, मैं वो खरगोश हूँ जो चांद पे रहता हूँ, मुझे चंद्र भगवान ने भेजा है और कहा है कि हाथियों को रोको, क्योंकि उनके यहाँ आने से खरगोशों के घर टूट जाते हैं, उन्हें चोट लग जाती है। इन हाथियों को संदेश दे दो। हाथी बोलता है, अच्छा मूर्ख समझा है, कहाँ है वो चंदा मामा, हमें भी तो बताओ। खरगोश बोलता है, एक हाथी मेरे साथ आओ। जो हाथी का मुखिया था उसको लेकर वहाँ पर चला जाता है। अब रात का समय था, चंद्र निकल गया था और वो चांद की परछाई को तालाब में दिखाता है। हाथी उस परछाई को देखता है तो उसे चंदा मामा दिखते हैं। हाथी, अरे ये तो सचमुच चंदा मामा आ गए, अगर चंद्रदेव का यही आदेश है तो हम इस तालाब में कभी नहीं आएंगे।
और चंदा मामा हमें माफ कर दीजिए। और हाथी अपने झुंड के साथ चले जाते।